हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा खूबसूरत फरमान है। हजरत अली फरमाते हैं, जब तुझे मुश्किल आती है तो वो तुझे रब का पता बताने आती है, वो तुझे अल्लाह का पता बताती है। इसलिए कि जब तू सारे असबाब कर लेता है जो जरूरत होती है पूरी करता है, तंदुरुस्त होके वो काम करता है, फिर भी काम नहीं होता, तो इसका मतलब है करने वाला तू नहीं, करने वाला कोई और है, जो काम करने वाला कोई और है। तो अजीज भाई याद रखे, हर मुश्किल के साथ अल्लाह ने आसानी रखी होती है। अगर अल्लाह तबारक व तआला बीमारी अता करे तो उसके साथ अल्लाह फिर जो तंदुरुस्ती देता है वो भी बड़ी आला ही अता फरमाता है। अगर अल्लाह कभी गुर्बत दे तो फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला आसानी देता है वो भी बड़ी आला ही अता फरमाता है। हजरत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार रहे, 60 साल अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी। कितने साल बोले? 60 साल। गौर करना बात पर, 60 साल अलील रहे फिर बीमार हो गए, 18 साल हो गए बीमार हुए। जौजा कहने लगी दुआ कर ले आपको अल्लाह सेहत दे दे। हमें अगर कोई बंदा पूछ लेना कि भाई कभी कोई खास बात तो सुनाओ, तो हम जो सारी जिंदगी सुख के साथ सोए होते हैं वो बात नहीं सुनाते, वो जो एक रात दर्द से नींद नहीं आती उस रात का किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं वो मेरे उल्टे दांत में दर्द था तो मैं सारी रात सो नहीं सका। ओ भाई, जो सारी जिंदगी सोया है उसका तो जिक्र नहीं कर रहा, और एक रात जो तुझे नींद नहीं आ रही। किसी से पूछा जाए, डॉक्टर कहते हैं 360 हड्डियां होती हैं वजूद में। किसी से पूछा जाए ना तेरा क्या हाल है, तो 359 हड्डियों का जिक्र नहीं करता, जिस घुटने में दर्द है उसका जिक्र करता है। कहते हैं ये घुटने में बड़ी दर्द है। ओ भाई, बाकी 359 ठीक है ना, उनकी भी तो को बात सुनाना। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के पड़ोस में एक नौजवान रहता था, आपके पड़ोस में। तो वो जब जो मोहल्ले में बच्चे रहते हैं ना गांव में, उनका पता होता है, पड़ोसी था। तो 34-35 साल नौजवान की उम्र हो गई, कभी बीमार नहीं हुआ। एक दिन उसकी तबीयत अलील हुई, सर में दर्द हुआ, तो उसने पट्टी बांध ली सुर्ख रंग की, बाहर निकल के आया। हजरत राबिया बसरिया रहमा ने देखा तो फरमाने लगे बेटे खैर है? लगा जी अम्मा जी सर में बड़ी दर्द है। आप फरमाने लगे कितनी उम्र हो गई? कहने लगा 34-35 साल। फरमाने लगे पहले तो कभी दर्द नहीं ना हुई? कहा नहीं अम्मा जी आज ही हुई है। तो आप फरमाने लगे 34 साल अल्लाह ने सेहत दी है, तूने शुगर की एक पट्टी भी नहीं बांधी, और आज दर्द हुई है तो शिकवे की पट्टी तूने फौरन ही बांध ली है, कुछ शुगर की पट्टी भी बांधनी चाहिए। हजरत अय्यूब 18 साल बीमार रहे। रोजा कहने लगी दुआ कर लो। तो आप फरमाने लगे बीबी से कि सेहत कितनी देर रही? उसने कहा 60 साल। तो आप फरमाने लगे जरा बीमारी को भी 60 साल गुजर लेने दो, फिर दुआ भी कर लेंगे। ये दुआ की अल्लाह, ये लफ्ज कहे अल्लाह ने सेहत दे दी, तंदुरुस्ती आ गई। एक दिन घर में बैठे बैठे जौजा कहने लगी कि अय्यूब ये बताओ दुख अच्छे के सुख? आप फरमाने लगे सारे दिन ही अल्लाह के हैं पर दुख बड़े अच्छे थे, मुझसे पूछो तो दुख बड़े अच्छे थे। का किस तरह? तो हजरत अय्यूब फरमाने लगे जब मैं बीमार था तो 24 घंटे में एक दफा मेरा रब मेरा हाल पूछा करता था, एक दफा मेरा अल्लाह पूछता था अय्यूब तेरा हाल क्या है। फरमाते हैं 12 घंटे तो लज्जत ही रहती थी कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछ लिया, और अगले 12 घंटे मैं इंतजार करता था मालिक हाल दोबारा कब पूछेगा। फरमाने लगे अब सेहत तो हो गई है पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। भाई मुश्किलात जो होती हैं वो तो तुझे सजा देती हैं, सवार देती हैं, तुझे याद आता है कोई अपना। हजरते यूनस अलैहिस्सलाम की दोस्ती होगी हजरत जिब्रील अमीन से, तो जनाब जिब्रील मिलने आए। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जिब्रील मेरा दिल करता है मुझे उस बंदे की मुलाकात करा जो अल्लाह का सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा है। हजरत जिब्रील अमीन ले गए दूर दूर फलस्तीन के इलाके में, और ले जाकर एक बंदे से मुलाकात कराई जिसकी दोनों आंखें भी कोई नहीं थी, दोनों बाजू भी कोई नहीं, दोनों पैर भी कोई नहीं, और उस बंदे की जुबान पर लफ्ज बड़ा क्या जारी थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, बोल के कहिए या अल्लाह तेरा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र शुक्र करना था। हजरत जनाबे सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे मैंने तुझे इबादत गुजार को मिलाने को कहा था, तू कहां ले आया? तो हजरत जिब्रील कहने लगे यूनुस ये हर चीज जाने के बावजूद अपने रब की रिजा पे राजी है, इस वक्त दुनिया में नबियों के बाद जिससे अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार कर रहा है वो यही बंदा है, ये अपने रब की रजा पे राजी है। ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ सजन दी वावा, ते पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए ते मैं यार दी कदमी आवा, मारो मारो मैनु मार मुकाओ,
कोई उजर ना पेश लियावा ते जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुल्ले डावा। मालक जे भी साल में राजी है तो बस ठीक हो गया, वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, बस जिस हाल में महबूब रखे वही हाल अच्छा है, बस जिस हाल में उन्होंने रखा बात ठीक हो गई। इसमें अब इंसान शिकवा करते फिरे कि ये किस तरह है वो किस तरह, अपने आप को मुतमईन रखा मुश्किल के बाद जो आसानी आ। हजरत लुकमान हकीम, उनके नाम पर कुरान मजीद की पूरी सूरत है, हजरत लुकमान हकीम अले रहमा। आप अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, कहने लगे बेटा को मुश्किल आए तो घबराना नहीं, को मुश्किल आए तो करे बेटों को समझ आ जाए कि मुश्किल आए तो, समझ आ रही है बात की, मुश्किल आए तो। और क्या खूबसूरत जुमले, बेटे को बिठा के कहते हैं बेटा छोटी मुश्किल आएगी तो अल्लाह बड़ी मुश्किलात आसान कर देगा, समझो छोटी मुश्किलात आई तो अल्लाह ने बड़ी मुश्किलें उसने आसान कर दी। और आपको बताऊं असल इंसान होता ही वो है जो मुश्किलों में जीने का ढब सीख जाता है, वो बन जाता है, बन जाता है जो कर्ब के हालात में जीने का सलीका सीख जाए। अपने बच्चों को ये समझाना, हजरत लुकमान बेटे मुश्किल आए तो घबराना नहीं, बड़ी को टाल देती है वो नेकी का और आसानी का पेश खैमा होती है, अल्लाह उसके बाद आसानी समझा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद कहने लगे आओ फुला अल्लाह के नबी की मुलाकात को चले, फुला नबी अलैहिस्सलाम से मिलने चलते हैं, उस जमाने में जो नबी थे उनसे मिलने चले गए। बेटे को बात याद थी, घोड़े पे बैठे, इमाम इब्ने जौजी ने इसको लिखा है, घोड़े पे बैठे थे दोनों के पास घोड़े थे। अब रास्ता बहुत ज्यादा था, खाना साथ ले लिया, पानी साथ ले लिया, रास्ता लंबा था, सहरा का इलाका था। जब जाने लगे तो इतनी सख्त गर्मी हुई कि घोड़े भी बेहोश होने लगे, अचानक ऐसी गर्म लू चली के घोड़े भी। अब दोनों बाप बेटा जो थे वो बड़ी जोश में थे कि जाना ही जाना है, घोड़े से उतरे, उतर करके पैदल चलने लगे। अब पैदल चलते चलते जरा आगे गए तो गर्मी में जितना बंदा पैदल चलता है उतना प्यास भी ज्यादा लगती है, तो पानी पीते रहे, खाना खाते रहे, खाना पानी भी खत्म हो गया। थोड़ा आगे चले ना तो इस कदर तकलीफ बढ़ी कि हजरत जनाबे लुकमान के बेटे के पैर के अंदर एक हड्डी पेवस्त हो गई, इतनी बड़ी हड्डी थी वो अंदर ही चली गई पैर, खून के फवारे गिरने लगे, बेटा बेहोश हो गया। हजरत लुकमान उसके सराहने बैठे तो बेटा था ना, आंखों में आंसू आ गए, बेटे ने आंख खोली तो कहने लगा अब्बा जी आप तो सब्र करने वाले हैं, आप रो रहे हैं, पर मैं बेटे मैं क्या करूं, मेरे सीने में जो दिल है वो एक बाप का दिल है, तो बाप जो हुआ तेरा, तेरी दुख पर रोना आया, बड़ी मुश्किल से दांत के साथ हड्डी निकाली, हड्डी निकली तो खून भी चला। साहब ज्यादा कहने लगा हुजूर आपने तो कहा था हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, और छोटी मुश्किल देख के अल्लाह बड़ी से बचा लेता है, तो हम तो अच्छे काम चले थे, मुश्किल पे मुश्किल, मुश्किल पे मुश्किल, ये क्या है। हजरत लुकमान कहने लगे बेटा ना तू आपकी हिकमतों को जानता है ना पूरी तरह मैं जानता हूँ, लेकिन जो मैंने कहा था वो बात सच्ची है, फाइन्ना माल उसरी यूसरा, इन्ना माल उसरी यूसरा, अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी अता फरमाएगा, और फरमाया मेरा ईमान है कि जरूर जरूर अता फरमाएगा। ये बात कह रहे थे कि सामने से धुआं उठा, इतना सख्त धुआं उठा कि आपने सोचा शायद वहां वादिया वहां जाते, वहां चलने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी ठहर जाओ रुको, वहीं रुक गए। थोड़ी देर गुजरी तो कहा रुक जाओ, जब रुके तो एक बोलने वाला बोला, कहने लगा तुम्हारे लिए थोड़ी देर के बाद जानवरों का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा, बच्चे का पैर भी सही हो जाएगा, चले जाना लेकिन जरा ठहरो। हजरत लुकमान कहने लगे बोलने वाले तू कौन है, तो कहने लगे मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। कहा अल्लाह के फरिश्ते और ये सारा कुछ क्या है, तो फरिश्ता कहने लगा असल बात यह है कि सामने बस्ती पर मुझे अजाब नाजल करने का हुक्म मिला था, आप बड़ी तेजी से आ रहे थे, मैंने रब से दुआ की कि अल्लाह इस बाप बेटे की गलती कोई नहीं मेहरबानी फरमा, रब ने पहले आपको सहरा में उलझाया, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके घोड़े ठहर गए, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपका पानी खत्म हुआ, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके बेटे को जख्म आया, फिर मेरी दुआ की बरकत से सामने से धुआं उठा। फरमाया ये जो तुम्हें मुश्किल पे मुश्किल आ रही थी ये तो मेरा रब तुम्हें अजाब से बचाना चाह रहा था, ये जो तुम्हें मुश्किल पर मुश्किल आ रही थी तो मेरा मालिक तुम्हें अजाब से बचा रहा था, तुम समझ नहीं रहे थे। हजरत लुकमान ने बेटे की तरफ देखा तो बेटे कहने लगे अब्बा जी बात बिल्कुल सच्ची है, अफ़ज़लुज़्ज़िकर ला इलाहा इल्ला, ला इलाहा इल्ला,
और फिर पढ़ने लगे हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर। ये विर्द होने लगे। भाई जब तुझे मुश्किल आती है, आजमाइश आती है, तो उस वक्त समझता है पता नहीं मेरे साथ क्या बनने लगा है। अल्लाह तबारक व तआला छोटी मुश्किल दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है, छोटी बीमारी दे के तुझे बड़ी से।